प्रशासन तय करता है, उसके अनुरूप हम व्यापार करने को राजी हैं। व्यापार हमारा मूल मकसद है। इस समय हमें सबसे ज़्यादा जरूरत हमारे आर्थिक नुकसान की भरपाई की है। प्रशासन अगर चाहता है कि बाजार बंद रहे, हम बाजार बंद करने को एक स्वर में तैयार खड़े हैं कि हम बाजार बंद कर देंगे, बशर्त प्रशासन हमको जिस दिन हमारा बाजार बंद रहेगा उस दिन की हमको मुआवजा दे, आर्थिक नुकसान नहीं दे। जिस तरीके से किसानों को मुआवजा मिलता है वैसे ही व्यापारी को मिलना चाहिए। और व्यापारी पूरी ईमानदारी से टैक्स चुकाने वाला व्यापारी है, चोर नहीं है। उसको चोर के स्वरूप अगर कोई खड़ा कर रहा है तो वो हमारा दुश्मन है। हम व्यापारी बहुत सहनशीलता के साथ आज तारीख तक प्रशासन का हर चीज से साथ दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इस शहर के व्यापारियों को दो भागों में बांटकर हम भाइयों के बीच में बंटवारा कर दिया। एक भाई खीर खाएगा और दूसरा भाई फाके खाएगा, ये कतई मंजूर नहीं है। इसलिए व्यापारी सड़क पर आ रहा है। और आज और अभी से हम पश्चिम क्षेत्र के व्यापारियों ने तय कर लिया है कि सोमवार को अगर हमारी दुकानें नहीं खुली तो हमारा परिवार सड़कों पर आएगा। प्रशासन को जो निर्णय लेना ले ले, हम सड़क पर खड़े होंगे। उसके बाद हमारी गिरफ्तारी होए, हमारे लिए जेल हो जाए, हमारे लिए फांसी हो जाए, हम व्यापार के लिए सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि हमारी पहचान हमारा व्यापार है। और अगर प्रशासन हमसे कोई गाइडलाइन तय करके, प्रशासन हमको कोई समझाइश दे के हमारे साथ कोई नियम कानून कायदों से बाजार खुलवाने की बात करेगा तो वो भी हमको मंजूर है। प्रशासन हमसे समझौता रखता है, समन्वय रखता है, तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और हमारे साथ में इंदौर के हर जनप्रतिनिधि को आना होगा, क्योंकि हमने वोट इंदौर के कलेक्टर को नहीं दिया, हमने वोट हमारी पार्टी और हमारे जनप्रतिनिधियों को दिया। उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है कि वो हमारे साथ आएंगे, क्योंकि वो भी हमारे हैं। चूँकि हर वक्त हम उनके साथ खड़े हुए तो यह वक्त हमारा खराब आया है। हम सब उनको लाएंगे और वो हमारे साथ खड़े हैं, ये हमारा विश्वास। आपका नाम? अक्षय जैन, पश्चिम क्षेत्र व्यापारी संघ के साथ इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जितने भी व्यापारी वर्ग हैं पूरे संयम के साथ, नियम कायदों के साथ, सारे जो उनने जिस प्रकार की व्यवस्थाएँ दी है कि मास्क लगाना है, डिस्टेंस रखना है, सैनिटाइजिंग करना है, हम उसी के साथ में। और ये तो नहीं कि आधा बाजार खोल दिया आधा बंद, कभी ये बंद कभी बंद। और इसके आगे की एक और बात है जो महत्वपूर्ण बात है, महीने में 30 होते होते 5 रविवार गए, 25 दिन बचे, 12 दिन दुकान खुली। इनकी सैलरी हम क्या 15 की देंगे कि 13 रोज की दें? कितना कितने रोज की सैलरी दें? हम कमाएंगे 12 रोज, सैलरी देंगे 13 रोज की, संपत्ति कर पूरा लोगे, बिजली का भी पूरा लोगे, इसे और ये गुमास्ता के टैक्स पूरा लोगे। अगर सेल टैक्स के अंदर जाएगा, इनकम टैक्स में जाएगा, क्योंकि इस साल तो तुम्हारा सेल था इतने का, आज इतना का ही, क्या जवाब देंगे? ये सारी बातें डाल देंगे। बिल्कुल।